age of mother is 3 times the age of her daughter. क्या करें? x माइनस 4, मदर की एज x मान ली, डॉटर की एज y मान ली, डॉटर्स एज y, तो 4 years अगो मदर की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 4, दैट इज 3 times द एज ऑफ हर डॉटर, डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y, 3 times y माइनस 4. अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट द लीनियर इक्वेशन. So this is the required equation. अब इसके लिए अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन इलेक्शन 60% ऑफ द वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट्स. ए इलेक्शन में 60% जो वोटर्स हैं वो वोट कर सकते हैं. और फॉर्म एन इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन. अब इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना. सो क्या करोगे? हाँ जी, ओके. टोटल वोटर्स y, x. अब y आ जाएगा दोज हु वोटेड, ठीक है. नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड. अब कितने जनों ने वोट किया, दैट इज 60% ऑफ द टोटल. तो 60% ऑफ x, परसेंट हटाओगे तो आप ऑन में 100 आ जाएगा, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई एंड x. तो इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल टू 3/5 x, या और वी कैन से 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0. जैसे मर्जी आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए. क्लियर? चलें आगे. इसी टाइप का क्वेश्चन है. द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास इज 1:3. गर्ल्स और बॉयज की रेशियो 1:3 गिवन है. फॉर्मुलेट एंड इक्वेशन सेटअप करनी है हमने बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड बॉयज. सेटअप एन इक्वेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एंड वाई. एंड बॉयज set up an equation between the number of the students of the class and boys and then draw the graph for this. Same usi tarike se let the number of boys is this and the total number of students is this. Let the total students y le le. बॉयज और गर्ल्स की रेशियो, गर्ल्स और बॉयज की है, बॉयज गर्ल्स की है, गर्ल्स रेशियो बॉयज 1:3. तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा अगर हम टोटल के साथ इसको एज्यूम करके चलें? देखो टोटल कितना बन रहा है इसका, 4. बॉयज कितने हैं? तो दिस विल बी 3/4 ऑफ टोटल, ठीक है. क्लियर है? तो x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ
टोटल, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं गिवन है, वो हमने एज्यूम किया है. जो पॉपुलेशन वाला था उसमें यू वर गिवन 12,000, तो हमने कॉमन फैक्टर लेके उसको कर लिया था. यहाँ पे हमें टोटल नहीं गिवन है, तो इसलिए हम उसको रेशियो में ही लेके चल रहे हैं. कि अगर हम इसको इस तरीके से निकालते हैं तो गर्ल्स का 1 पार्ट है आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स, और बॉयज का 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स. टोटल कितना था वाई, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया, 3/4 ऑफ वाई. अब वाई हमने क्या माना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स किसको माना है, नंबर ऑफ बॉयज को. तो नंबर ऑफ बॉयज यानी कि एक्स इज इक्वल टू 3/4y. तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, और इसी के बेसिस पे आगे वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स. 40 स्टूडेंट्स की एक क्लास में व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉयज, दैट विल बी 3/4 ऑफ 40, तो दैट इज 30. Number of boys in a class of 40 students. ये वैसे आपने graphically देखना होगा. So जब आप इनके बीच में graph plot करोगे, x किसको represent कर रहा है, number of boys को, y किसको represent कर रहा है, number of total students. ठीक है, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 0. यानी कि अब उसने क्या कहा, टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं, यानी कि y की वैल्यू ग्राफ पे जहां 40 होगा होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू निकालनी है. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 30. उसके बाद व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. Equation of a line parallel to y-axis and 4 units to the left of the origin. Equation of a line parallel to y-axis, y-axis ke parallel and 4 units to the left of the origin. Y-axis ke parallel hai, toh equation will be of the form x is equal to a. Kitne distance pe hai? माइनस 4 पे है, तो x इज इक्वल टू माइनस 4. अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालने आते हैं x एक्सिस और y एक्सिस से. साथ ही मैंने अब कोऑर्डिनेट वाला शुरू कर देना है बीच में. मान लो आई एम गिवन दिस पॉइंट 3, 4. व्हाट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, 4 units. जब आप x एक्सिस से ले रहे हो तो इट मींस आपने ये वाली वैल्यू टैली कर दी. जब x एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हो, ये वाला डिस्टेंस इसके पैरेलल है, तो इट मींस आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू विल गिव यू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सेम वे में जब आप y एक्सिस से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, आप ऐसे किस पे चल रहे हो, x एक्सिस पे चल रहे हो, तो ये x एक्सिस यानी कि x कोऑर्डिनेट, तो दैट इज 3. तो उल्टा लेके चलना है. अगर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछा है तो y कोऑर्डिनेट लिखना है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछा है तो x कोऑर्डिनेट. इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डन है हमारे, ईच एंड एवरी टाइप वी हैव डिस्कस्ड. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. Let us recall its important concepts. Whenever we are taking two dimensions, जब हम दो dimensions लेते हैं, तो let us suppose कि मैंने ये दो perpendicular lines draw कर ली, तो ये perpendicular lines अगर आपकी origin पे meet करती हैं, 0, 0 पे meet करती हैं, तो ये जो रेक्टेंगुलर एक्सिस होंगी इनको हम क्या बोलते हैं कि दीज आर फॉर्मिंग अ कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स से बनता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. एंटी क्लॉकवाइज हम इनकी नेमिंग करते हैं, ये स्टैंडर्ड है, आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड नहीं ले सकते. तो
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो गए। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे एक्स वाली वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एक्स वाली वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। यहाँ नेगेटिव वैल्यूज है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज है। यहाँ अगर मैं देखूं तो अबव द ओरिजिन वाई एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो द दिस ओरिजिन वाई एक्सिस इज नेगेटिव। तो जहां पे नेगेटिव है वहां पे हम डैश लगा देते हैं उस साइड पे, तो दिस इज एक्स डैश एंड वाई डैश। अब ये आपका फोर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बन रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी आर हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स एज पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो x नेगेटिव एज वेल एज y नेगेटिव, तो बोथ द क्वाड्रेंट्स आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, यस x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दीज जो हमारे साइंस आते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन दीज साइंस वी विल टेक। अगर हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है पॉइंट के उनकी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव गिवन है, तो वी विल से इट्स लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, बोथ नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, what is the other name of first quadrant, x y no x o y लिखे चलो, ठीक है x o y या y o x। what is the other name of second quadrant, x dash o y या y o x dash। third quadrant, ठीक है clear। fourth quadrant, X O Y dash या Y dash O X, got this point? Then next we are having quadrants के signs हो गए आपके। उसके बाद plotting का point अगर हमने करना है तो plot करने के लिए मान लो मुझे ये 1.2 given है, ये 1.2 given है, मुझे point plot करना है 1.1 पे, तो X axis से मैं 1 पे perpendicular draw करूंगी, Y axis पे मैं 1 से perpendicular draw करूंगी, जहां ये दोनों परपेंडिकुलर्स मीट करेंगे दैट पॉइंट विल बी 1.1। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में लिखना है। अल्फाबेट में जब आप लेटर्स सीक्वेंस में बोलते हो, एक्स हमेशा आपका वाई से पहले आता है, यहाँ पे भी एक्स हमेशा वाई से पहले आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग योर एक्स कोऑर्डिनेट, सेकेंड एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग योर वाई कोऑर्डिनेट। और जब आप इस पॉइंट को प्लॉट करते हो, पॉइंट को सर्कल जरूर करना है आपने और साथ में उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखे, ठीक है। देन हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक हमने किया है पहले, रिफ्लेक्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस जो है दैट इज एक्टिंग एज अ मिरर और हमें पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकालनी है। मान लो मेरे पास ये पॉइंट है 1.2, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। मिरर की तरह कौन सी एक्सिस एक्ट कर रही है, एक्स के वाई एक्स एक्सिस एक्ट कर रही है, यानी कि इसकी जो इमेज दिखेगी वो इस मिरर में दिखेगी, ठीक है। तो अभी ये कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, इसकी इमेज यहाँ दिखनी है, कहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो आप क्या करोगे इसकी इमेज के लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम रहता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब एक मिरर में इमेज बनती है तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। सेम यहाँ पे कंसेप्ट है आपका, दिस इज योर मिरर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है फ्रॉम मिरर दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका सेम होगा, तो क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम आएंगे,
बट उनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेंट आपका चेंज हो गया. हियर दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में यू नो एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो वाई का साइन आप चेंज कर दोगे. यानी कि वेन एवर योर एक्स एक्सिस इज एक्टिंग एज अ मिरर, योर वाई कोऑर्डिनेट गेट्स चेंज. पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो. ठीक है, अब मैं अगर इधर पॉइंट लेती हूँ, दिस इज -1.2, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी, तो किसका साइन चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट का. x को नहीं छेड़ना, x जो है जैसे है एज इट इज लिखना है. y कोऑर्डिनेट का साइन हमने क्या किया, चेंज कर दिया. सो दिस इज -1.-2. कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आ जाए, आपने y कोऑर्डिनेट, अगर x एक्सिस इज एक्टिंग एज अ मिरर तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा. उसके बाद हम अब लेते हैं y एक्सिस एज अ मिरर. अब जब y एक्सिस एज अ मिरर एक्ट कर रही है तो ये मिरर है, ठीक है, ये इमेज है और इधर ये इमेज, ये ऑटोमेटिकली पॉइंट्स आ रहे हैं आपके. जब हम y एक्सिस को ले रहे हैं तो इट मींस यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये आपका मिरर है, ठीक है. यहाँ जो आपकी y की सीध में वैल्यू थी वो इधर एज इट इज रही दोनों साइड पे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी जब आपका, तो y वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो वैल्यू किसकी चेंज होगी, x कोऑर्डिनेट की. यानी कि व्हेनेवर y एक्सिस इज एक्टिंग एज अ मिरर, वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट, साइन ऑफ द x कोऑर्डिनेट चेंजेस. वैल्यू नहीं चेंज होगी, साइन चेंज होगा. सो दिस इज -1.1. कौन से क्वाड्रेंट में था ये, सेकंड से इमेज कौन से में बनी, फर्स्ट में. सेम वे में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इमेज कहां पे बनेगी, सेकंड में. अब अगर मैंने लिया यहां पे मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, यहां कहीं इमेज बनेगी. अब यहाँ x क्या हो गया आपका, पॉजिटिव. y एक्सिस क्योंकि मिरर की तरह एक्ट कर रही है तो चेंज द साइन ऑफ x एंड देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ y. तो इट मींस अगर आपका पॉइंट आपको थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है, इमेज विल बी फॉर्म्ड अलोंग द, अगर y एक्सिस एज अ मिरर एक्ट कर रही है, इमेज विल बी फॉर्म्ड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इमेज विल बी फॉर्म्ड इन द थर्ड क्वाड्रेंट इफ y एक्सिस इज एक्टिंग एज अ मिरर. फर्स्ट और सेकेंड रिलेटेड है y एक्सिस के लिए, थर्ड एंड फोर्थ रिलेटेड है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द x एक्सिस दैट इज एक्टिंग एज अ मिरर, देन फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकेंड के साथ थर्ड. ठीक है, याद रहेगा ये कंसेप्ट. व्हाट इफ x इज इक्वल टू y इज एक्टिंग एज अ मिरर. अब मैंने मिरर चेंज कर दिया, ना मैंने x एक्सिस को लिया ना मैंने y एक्सिस को लिया, अब मैंने ये मिरर बना लिया. अब क्या हो, अब ये वाली लाइन जो है वो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो. अब डिपेंडिंग ऑन पॉइंट, इधर वाले पॉइंट्स आपके क्या हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब अकॉर्डिंगली कैसे लेके चलोगे. इक्वेशन ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स होगी, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो x इज इक्वल टू y हो गया, बिल्कुल ठीक है. अब मान लो ये पॉइंट गिवन है मुझे, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये पॉइंट है कहाँ बनेगी, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स, 1, पहले तो मैंने यही पॉइंट गलत लिखा है, नो वन हैज पॉइंट. कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड में x is negative, तो this will be -1.3. ठीक है, अब बताओ क्या आएगा, this will be 1, -3. ठीक है, तो accordingly you will see कि कहाँ क्या change हो रहा है. Got it? अब next जो है हमारा इसमें इसे हम reflection in the origin भी कहते हैं, this is also called reflection in the ऑरिजिन. ये था रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस एंड दिस इज रिफ्लेक्शन इन द ऑरिजिन. ऑरिजिन के अकॉर्डिंगली आपके पॉइंट्स आपने देने हैं. चलो अब ये 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, जल्दी से मुझे इनके आंसर्स दे दो.
व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स राइट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट -3.5। एब्सिसा इज द एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज द एब्सिसा, ए पहले आता है उधर से, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स पहले आता है, ऑर्डिनेट ओ ए से बाद में आता है, उधर वाई एक्स से बाद में आता है। तो बाद वाला लिंक जो करोगे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वाई कोऑर्डिनेट जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डिनेट, पहले वाले से लिंक करोगे यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एब्सिसा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हूज ऑर्डिनेट इज -2 एंड विच लाई ऑन द वाई एक्सिस। पॉइंट वाई एक्सिस में लाई कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 और ऑर्डिनेट कितना गिवन है -2, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0, -2। उसके बाद फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 मींस ऑर्डिनेट क्या आया 0। Then next question, find the perpendicular distance of the point 6.3 from x-axis. 6.3 from x-axis. X-axis से distance है, y-coordinate तो कितना आ जाएगा? जो y-coordinate की value है, that is 3. If a point is on the negative side of y-axis, यानि कि यहाँ कहीं है, it is on the negative side of y-axis at a distance of 5 units from the origin, then find the coordinates of the point. इट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव लोगे। उसके बाद कितने यूनिट्स डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट्स के, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, अगर ये पॉइंट है तो दिस विल बी 0, -5, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 बिकॉज दिस इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। सो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 0, -5। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट 0, 0। पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट, पॉइंट्स फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि दोनों में या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, सो द पॉइंट्स विल लाई इधर इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इधर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द थर्ड क्वाड्रेंट। नेम द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट पी लाई व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। नेम द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई लाइज If x is greater than 0, y is greater than 0. X greater than 0 means this is always positive. Y greater than 0 means this is again a positive value. Positive, positive means first quadrant. Next question. Where will you find all the points A, B when A is less than 0 and B is greater than 0? A less than 0, B greater than 0. Point is in the form of A, B. A less than 0 means first wala negative and B greater than 0 means Y is positive. X negative, Y positive. Second quadrant. Next, where will you find all the points with positive abscissa and negative ordinate? Positive abscissa and negative ordinate, fourth quadrant. Where will you find all points with abscissa 0? Abscissa 0 कहाँ पे होगा? Y axis पे. So on the Y axis, the abscissa of every point is 0. Where will you find all the points with ordinate 0? अब इनके coordinates बताने हैं. -2, -3. X negative, Y positive. Quadrant बताने. Second quadrant. Then x -3, y -8, third quadrant. X 8, y -2, fourth quadrant, because x positive hai, y negative hai. Then 7, 1, first quadrant. Acha, point 0, 5 lies in which quadrant?
जब एक्स या वाई में से एक वैल्यू जीरो आ जाती है, यू वोंट से कि वो किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट विल लाई ऑन द एक्सिस. एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो दैट विल लाई ऑन द वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो दैट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस. सो अब ये क्वेश्चन है, ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई? 0, -5. y क्योंकि x 0 है तो इट विल लाई ऑन द y एक्सिस. 4, -0, -3, 0. ओके, इफ एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज -2, ऑर्डिनेट इज 7, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 7, -2, -2, 7. एब्सिसा हमेशा ऑर्डिनेट से पहले आता है. अब ये ध्यान से सुनना, अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस. एक पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस. व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स? यस, 6, 0 और -6, 0. क्योंकि डिस्टेंस हमें हमेशा पॉजिटिव गिवन होता है, उसने ये नहीं कहा कि फ्रॉम पॉजिटिव साइड या फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो प्लस और माइनस दोनों लेके चलोगे. सो दिस इज +6, 0. उसके बाद है, व्हाट विल बी इट्स कोऑर्डिनेट्स इफ इट लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस? 0, -7. अब क्योंकि यहाँ उन्होंने -7 दिया हुआ है तो वो स्पेसिफिक हम नेगेटिव ही लेके चलेंगे. ठीक है, वैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं दिया होता, वैसे अदरवाइज उसमें मेंशनड होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन या ऑन द लोअर साइड ऑफ द वाई एक्सिस ऑरिजिन, तो वहां पे आप अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस का साइन लगाते हो. पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्लियर है सारी कौन कौन सी बनती है? उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -20 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस? डिस्टेंस ऑफ 3, -20 फ्रॉम एक्स एक्सिस बताओ पहले, 20, एंड फ्रॉम वाई एक्सिस 3. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द स्क्वायर. हमें अब फिगर गिवन है, इसके वर्टिसेस जो हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं. दिस इज ओ पी क्यू आर, और हमें जो डिस्टेंसेस गिवन है वो गिवन है ए यूनिट्स सारे. तो दिस इज ए, दिस इज ए, ये हमें स्क्वायर गिवन है ओ पी क्यू एंड आर. अब क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ 0, 0 ऑरिजिन है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल बी पी क्यू. लेंथ कितनी लिखी है मैंने, 0. कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, ए इधर से है, ए इधर से है, सो दिस विल बी, एंड आर, ए इधर से है, ए इधर से है, क्योंकि y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट विल बी 0. So the coordinates are 0, 8. So Tuesday आपका कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट रूम है? नंबर सिस्टम एंड लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. हाँ जी, दैट आई विल सी. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.